में तो रहते रहते हैं, फिर भी फिलहाल के लिए तो हमारा ही घर है, मुझे तो ऐसा ही लगता है अपना घर। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको अपना घर नहीं, जब तक नहीं मानेंगे वो घर घर नहीं लगेगा। हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका लंडसा स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे इस चैनल पे। हस्बैंड अभी रेडी हो गया है छुट्टी जाने के लिए और इतना मैस देखिए सब फैला के रखता है। हस्बैंड सब पे मेरा खिताब है। और सब आपका खिताब है इसलिए मैस नहीं है। नहीं। मैं हजार ठीक करो फिर वो सब फैला देता है सब और फिर अपना सब अपना अपना जगह में है। उसको डर है उसका एक चेक गुम हो जाएगा, एक पासबुक गुम हो जाए, क्या गुम हो जाएगा पता नहीं, मैं कहाँ जो रखूंगी जो गुम करवा दूंगी। देखिए स्लीप भी ऐसा फेंका हुआ है। ओ गुब्बो ओ शिलोंग नी स्लीप नंगे का बनी है। और सुबह से कल रात से ही बारिश बारिश बारिश, फिलहाल अभी थोड़ा रुका हुआ है, फिर भी क्या जो करे, कपड़ा इतना सारा धोने का है, धोने से भी नहीं सूखेगा इसलिए नहीं धो रही हूँ। खुशी गिरबा खुशी बड़ा मडो लाडू निकला मैस खाइबा थांगला बसे रे ठीक खाइबा मसे बड़ों गया और दिन मठाय रुगा राना खबर देखाओ ना आसर सलमत सिबला वखन सलमा आसर सलमा लक हदी गिरी एबो साइंग दुनिया मुशी दुनिया बो हदी हा बुके बिदे सलमा कब से चिल्ला रहा है कि पिकल बनाना है, बोला नहीं बना रही हूँ। बारिश में मैं कैसे पिकल बनाऊँ, सुखाने के लिए धूप ही नहीं है। और मेरा स्टार फ्रूट्स भी जैसे लाया वैसे ही मैंने गमछा डाक के जो आप देख साइड से देख रहे थे वैसे ही रखा हुआ है। देखती हूँ वेदर कल धूप निकलेगा या नहीं, क्योंकि अभी मैं इसमें मिर्ची हल्दी देके जो थोड़ा सुखाओ, मैं सॉरी मिर्ची हल्दी बोल रही हूँ, नमक और हल्दी देके जो स्टार फ्रूट्स को थोड़ा काट के सुखाओ, धूप ही नहीं है। और मिर्ची को भी मैंने नहीं धोया अब तक, उसका डंडा निकालना है धोना है तो फिर तो धूप में हल्का सा तो सुखाना है, मतलब वाटर तो डिस्चार्ज होना है ना, तो उसके लिए धूप नहीं है तो इसलिए मैंने छुआ भी नहीं। और वैसे भी और कितना सारा ऑलरेडी काम है तो उसको छुके और मुझे और बर्बाद नहीं करना है। और आज तो चाय पीऊँगी क्योंकि हमने हफलोंग मार्केट से कप केक्स लाया है जो मुझे बहुत पसंद है। हफलोंग मार्केट का बेकरी और सेंटर और हाफलोंग में सेंटर का हस्बैंड ने लाके दिया, हस्बैंड बोला ले लेगा क्या तो लाया तभी खाएंगे। पहले हस्बैंड जाने तो फिर घर थोड़ा समय दूंगी फिर चाय बना के पीऊंगी इतने दिनों के बाद। बारिश तो नहीं हो रहा है लेकिन धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ठंडा का मौसम में बारिश में गरम गरम चाय, काफी दिन हो गया मैंने चाय नहीं पिया इसलिए आज चाय पी रही हूँ। और ये हफलोंग का हफलोंग बाजार का कपकेक जो मुझे बहुत पसंद है, जिसके लिए हस्बैंड ने लाया लास्ट टाइम आने के टाइम परसों को। यहाँ पर भी मिलता है लेकिन यहाँ पर इतना फ्रेश फ्रेश नहीं मिलता है, इसीलिए हफलोंग में तो फ्रेश मिलता है जिस दिन बनाते हैं उस दिन का ही मिलता है, तो इसीलिए हफलोंग का ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेश होता है। आप सभी को रेडी हो के निकल गई हूँ, बाहर जाऊंगी विशाल मेगा मार्ट
हस्बैंड भी ऑफिस से आ गया है और मेरा ससुराल जाने के पहले मैंने आप सभी को बोला था कि मुझे शॉपिंग करना है विशाल से, अभी हस्बैंड साथ में नहीं थे बोल के मैंने कुछ सामान नहीं खरीदा था, तो अभी हस्बैंड ऑफिस से वापस आ गए थे, हस्बैंड बोल के फिर जा रही हूँ सामने। और हमारा घर हमारे ओनर ने, वैसे तो हमारा घर तो नहीं है, हम लोग तो रेंट पे रहते हैं, फिर भी फिलहाल के लिए तो हमारा ही घर है, मुझे तो ऐसा ही लगता है अपना घर। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको अपना घर नहीं, जब तक नहीं मानेंगे वो घर घर नहीं लगेंगे, तो मैं तो मेरा खुद का ही घर मानती हूँ। और भैया ने, हमारा ओनर ने बहुत घर को और सजाया है, ऐसे ही ये घर बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, इसमें और अभी और सुंदर कर दिया है भैया ने। यहाँ पे पहले का एक स्विमिंग पूल था, उसको अभी पूरा चेंज कर दिया है, पूरा डिफरेंट हो गया है अभी, और ये सब भी टाइल्स लगा दिया, फिर भी टाइल्स में देखिए जुड़ना, और ये बेम्बो लगाया है हमारा बैडमिंटन नेट के लिए। बैडमिंटन खेलते थे इन दिनों, काफी महीना हो गया नहीं खेले, तो अभी ये नेट लगाया, थोड़ी देर पहले खोला भैया ने, तो ये अभी यहाँ पे इसका नेट लगाने के लिए ये बेम्बो लगा दिया, तो अभी कल रहना संडे है, मतलब मैं कल संडे खेलने मिले, कल शाम को खेलेंगे। अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे जुलना लगा दिया है, पहले जहाँ हमें मेरा विविंग का काम करती थी वहाँ पे थे, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है भैया ने। और आज की ये आज सुबह सुबह यहाँ पे ये गेंदा का फूल लगाया है, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा, ये सिर्फ आज ही लगा है बोल के, मतलब इतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर 2-3 हफ्ते बाद ये भी बहुत सुंदर हो जाएगा। तो जब ये पूरा अभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जगह पे काम बाकी है, पूरा जब कंप्लीट होगा एक बार होम टूर दूंगी भैया का घर का और हमारा रूम का, जहाँ पे हम लोग मेरा घर नहीं है, हम लोग तो रहते हैं, तो दोनों घर का एक बार रूम टूर दूंगी आप सभी को, बहुत सुंदर है रूम टूर दूंगी उसका रीज़न है, आप सभी को भी किसी को अगर घर बना रहा है बनाना है तो थोड़ा आइडिया मिलेगा, उस हिसाब से उस इंटेंशन से एक होम टूर शेयर बनाऊंगी मुझे, क्योंकि बैका घर का डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लगता है। और तो अभी चलते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए। मैं ले आई हूँ ये कुशन लेने, छोटा सा वाला कुशन लूंगी, ऑलरेडी देखिए हस्बैंड मुझे देखे खुद क्या क्या देख रहा है जीरा लेने आया, जीरा मिला ही नहीं, हम लोग आ गया है और हमने ये छोटा वाला कुशन लाया है, 5 कुशन लाया, काफी दिनों से मुझे लेने का मन था तो फाइनली आज ला लिया है। कवर डोंगा फाना हस्बैंड ने तो जो डोरमेट लाया वो लगा भी दिया,
ये डोरमेट लाया है, ये बाथरूम मैट है एक्चुअली, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करने का, तो यही यहाँ पर ही बेसिन है, तो यहाँ पे पानी ज्यादा गिरता है, इसलिए मैंने यहाँ के लिए एक लिया है। लंबा होने से तो लंबा वाला ले लेते, लेकिन ये छोटा वाला ही है सिर्फ, और तो कुछ नहीं लाया। जीरा लेने गया, जीरा तो लिया नहीं, और दूसरा सामान खरीद के आ गया, है ना हस्बैंड? हाँ, क्या है, तभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। आज तो लंच भी नहीं खाया हम लोगों ने, स्वीट पोटैटो बॉईल करके खाया, तो अभी जल्दी जल्दी से डिनर बनाऊँगी।